नूरपुर क्षेत्र का सिविल अस्पताल दयनीय स्थिति से जूझ रहा है। अस्पताल में स्टाफ की कमी के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। नूरपुर क्षेत्र का सिविल अस्पताल दयनीय स्थिति से जूझ रहा है। अस्पताल में स्टाफ की कमी के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नूरपुर के सिविल अस्पताल में चुबाड़ी, ज्वाली, फतेहपुर व इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन इस समय डॉक्टरों की कमी से मरीजों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टरों के तबादले के बाद अभी तक अस्पताल में डॉक्टर की कमी चल रही है। जब इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार से बात की तो उन्होंने बताया, जो विरासत में हमें मिला है उससे हमने मुंह मोड़ा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज भी हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय 3,500 स्वास्थ्य संस्थान हैं। फट्टे लगाने से अस्पताल चलते नहीं है। इन सारी व्यवस्थाओं को हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार ने 2 वर्षों में खड़ा किया है। स्टाफ की कमी को लेकर विपिन सिंह परमार ने कहा कि एक प्रक्रिया के अनुसार एक व्यक्ति MBBS करता है और उसके बाद PG के लिए जाता है और PG 1 साल करने के बाद वो रजिस्ट्रारशिप के लिए भी जाता है। परमार ने कहा कि हम डॉक्टरों की कमी व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी नहीं आने देंगे। के अनुसार जो विरासत में हमें मिला है जी, उससे हमने मुंह मोड़ा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज भी हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग इस समय 3500 हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं। यानी फट्टे लगा देने से कोई अस्पताल चलते नहीं है। इन सारी व्यवस्थाओं को श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 2 सालों में खड़ा किया है। इसलिए आप कह रहे हैं कि रेडियोग्राफर्स नहीं है या आप कह रहे हैं कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो एक प्रक्रिया के अनुसार जब व्यक्ति MBBS करता है तो उसके बाद वो PG के लिए भी जाता है और PG 1 साल करने के बाद वो रजिस्ट्रारशिप करने के लिए भी जाता है। इसलिए कि ये चक्कर है जो चलता रहता है, पर हम डॉक्टरों की कमी और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी नहीं आने देते। कार्यक्रम में वक्त चले, छोटे ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।